बहन जी नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? दीपिका। कहाँ से आए आप? लुधियाना से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 3 जून 2012 से जुड़ी हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं ब्राह्मण जाति में मेरा जन्म है, जैसे कि वहाँ पे सब होता है कि सारे ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम माता रानी की भी करते थे, कृष्णा जी की भी करते थे, मतलब ज़्यादा पहले माता रानी की करते थे। उसके बाद जब उनसे कोई लाभ हमें ज़्यादा होता नहीं था, फिर हम कृष्णा की, कान्हा की करने लगे, लड्डू गोपाल की। तो मेरी मम्मा कृष्णा मथुरा वृंदावन गए थे, तो वहाँ से हम दोनों बहनों के लिए भी छोटे छोटे लेके आई थी लड्डू गोपाल। तो हम स्पेशली उनकी भी करते थे और मम्मी भी अपने सेपरेटली अलग से करती होती थी। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करती हूँ, प्राइवेट बैंक में। कहाँ तक एजुकेशन किया आपने? मैंने MBA किया हुआ है ILM गुड़गांव से, DLF गोल्फ कोर्स रोड एरिया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं ऐसे आई सर कि मेरे मम्मी पापा जो पहले, जैसे मैंने बताया, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते थे, और उनसे उसके पूजा करते करते मेरे पापा सस्पेंड हो गए थे। पटवारी हैं मेरे पापा, सरकारी नौकरी है, पटवारी हैं वो कोट जयपुर में, वो सस्पेंड हो गए थे। उनके ऊपर रिश्वत का रखने का आरोप लगाया गया था। तो फिर उसके बाद जब घर पे थे पापा, और कोई इनकम का हमारे पास इतना सोर्स नहीं था, जो पहले के पैसे थे वही सब हमारी सैलरी हम यूज़ कर रहे होते थे। उसके बाद जब एक बार पापा ने सोचा कि बेसमेंट में जो रद्दी पड़ी है, चलो इसको निकाल देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, तो ज्ञानगंगा पुस्तक निकली। वो हमारे रेंट पे ऊपर रहते थे किराएदार, उन्होंने मम्मी को उस टाइम दी थी जब वो बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल की भक्ति करती थी, कि आप आंटी क्या ये सारे दिन लड्डू गोपाल को लिए फिरती हो, इनकी घंटियाँ बजाती हो, माखन मिश्री का भोग, खाना खिलाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कराती थी उनको, यहाँ तक कि उनको प्रॉपर सुलाना, उनकी सेवा करना, ऐसे बच्चे की तरह उनके लाड दुलार निलाना, घंटा उनको निलाने में चढ़ना, उनका चरणामृत सबको वितरित करना, पंचामृत से उनको निलाना। तो फिर भी पापा के साथ ये हो गया था, तो ज्ञानगंगा पापा ने सोचा पढ़ के देखते हैं इस पुस्तक में क्या है। फिर जब पढ़ा तो परमात्मा की दया से ज्ञान योग खुल गया और सारी ही बातें समझ में आने लगी, जो ज्ञान लिखा था कि गीता जी में क्या लिखा हुआ है, कि पूरे संत की क्या पहचान है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सब भागों को विस्तार पूर्वक बता देता है, वो तत्वदर्शी संत होता है। तो ये सारी चीजें जब पापा ने पढ़ी, उन भक्तों के अनुभव पढ़े जिनको पर्सनली परमात्मा ने आध्यात्मिक सुख भी दिया, उनको आर्थिक लाभ भी दिए, उनको शारीरिक कष्ट, किसी को कैंसर था, किसी को पैरालिसिस था जिसका कोई इलाज नहीं था, वो भी उनको परमात्मा की भक्ति से, मंत्र जाप से ठीक हो गए मात्र। तो पापा ने सोचा कि हम भी चल के देखते हैं, क्योंकि ऐसे सुना है कि गुरु बिना गुजारा नहीं, तो एक बार गुरु भी हमने बनाया नहीं आज तक, तो गुरु बना के देखते हैं। हमने गुरु इसलिए पापा ने हम वहां गए, पापा मम्मी वहां पे गए, आश्रम में गए, 3-4 दिन रुके, ज्ञान सुना, ज्ञान सुन के उन्होंने नामदान ले लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हम प्रथम लाभ तो मेरे को ये हुआ कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान पता चला कि कौन परमात्मा है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें कौन सा मंत्र है जिसे जाप करने से परमात्मा के लाभ प्राप्त होंगे, कोई भी लाभ हो जिंदगी का, इस दुनिया का, इस संसार का, वो सारे लाभ हमें मात्र परमात्मा की भक्ति से ही मिलते हैं, ये हुआ। दूसरा हुआ कि नौकरी में मेरी पदोन्नति होती रही। पहले मैंने ज्वाइन किया था असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, उसके बाद मेरा साल भर बाद ही डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पे मेरा प्रमोशन हो गया, मेरी सैलरी में भी इंक्रीमेंट, 35,000 मेरी सैलरी हो गई थी, पहले मेरी 23,000 थी, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त इंक्रीमेंट था मेरी, बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी। सब क्वेश्चन कर रहे थे कि तेरी दीपिका इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी फिर भी कैसे हो गया। मैंने कहा सब परमात्मा की रजा है, उनकी दया से मुझे। आप कौन से परमात्मा की दया मानते हैं, किस परमात्मा ने आपके ऊपर दया की? जो कबीर जी हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं वो कबीर परमात्मा के खुद अवतार हैं, इस धरती पे आए हुए हैं, उन्होंने ही सब रजा की है, उनकी ही दया से हमें सारे लाभ हुए हैं। और क्या लाभ मिले आपको? और मैं अपनी फैमिली का भी थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मा हार्ट पेशेंट थी, उनको नाम लेने से पहले 2 अटैक आ चुके थे। जब तीसरा अटैक उनको आया तो पापा आश्रम में आए हुए थे, जो मंथली सत्संग होता है उसको सुनने के लिए, मम्मा घर पे थे तो अकेले थे। रात को 3 बजे उनको हार्ट अटैक आया, उस टाइम मम्मी को लगा कि शायद मेरा BP हाई हो रहा है, उनको पता ही नहीं चला कि मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा बेड पर पड़ी थी, तो उनकी बॉडी ऐसे उछले ऊपर की तरफ, मतलब इतनी ज़्यादा हार्ट की स्पीड तेज थी। उसके बाद 7 बजे तक मम्मी सो नहीं पाई, उसके बाद मम्मी ने गुरुजी के आगे दंडोत, जहाँ हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, जो चाहते हैं, वहाँ पे दंडोत प्रणाम किया कि परमात्मा, भगत जी भी नहीं है, कोई घर पे नहीं है, मैं अकेली हूँ, मालिक आप ही देखोगे और कौन देखेगा, दया करो दाता। फिर दंडोती लगाई, उसके बाद मम्मा आधे घंटे सो गई, परमात्मा की दया से नींद आ गई। उसके बाद पापा का फोन आया तो मम्मी ने पापा को बताया, उसके बाद वापस तेज हो गई। फिर पापा ने अरदास लगाई गुरुजी से, तो गुरुजी ने 1 मिनट मौन, एक थोड़ा कुछ क्षण विश्राम लेके बोला, पोज लेके बोला कि बेटा ये आज उसने
उसने नाम लिया हुआ है। अगर वो नामधारी ना होती, उसने नाम नहीं लिया होता, परमात्मा का सर पे उसके हाथ नहीं होता, तो आज उसकी आयु खत्म थी। और ये बात मैं दूसरे प्रमाण से ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरे नाना जी खुद ज्योतिषी थे, तो उन्होंने भी बता दिया था, जो हस्तरेखाएं वगैरह उनको देखनी आती थी, उन्होंने बता दिया था कि सुमित्रा तेरी 48 साल तक उम्र है, इसके बाद तेरी आगे उम्र नहीं है बेटा। तो और जब बाकी जो पंडितों को दिखाया था उन्होंने भी, तो उस टाइम तो मेरी मम्मी मजाक में कह देती थी कि बहुत है, लेकिन 48 साल की उम्र तक तो हमारे किसी की शादी वगैरह भी नहीं हुई थी, ओनली मेरी बड़ी सिस्टर मैरिड थी उस टाइम तक, तो इसलिए कुछ भी हम सेटल नहीं हुए थे, हम बर्बाद ही हो जाते अगर हमारी मम्मा नहीं रहती। तो फिर परमात्मा ने उनको बचाया, इतनी दया हुई मालिक की। उसके बाद और भी बहुत सारे सुख है, जैसे कि हमारे रिश्तेदार ही हैं, वो थोड़ा हमसे जेलस फील करते हैं, तो उन्होंने जो तीन ताप के अंतर्गत जो आते हैं, उन्होंने ना कुछ प्रेत वगैरह हमारे ऊपर छुड़वा दिए थे, मेरे पापा के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी। वो जलते थे कि इनकी ना बिल्कुल इनकी फाइनेंशियली हालत बिल्कुल ख़राब कर देनी है, इनको पैसे एक पैसा नहीं रहना चाहिए इनके घर में। क्या उस टाइम पे आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे? हाँ जी, मैंने भी नाम उपदेश ले लिया था परमात्मा की दया से। तो जो दो बाधा आई, एक मेरे पापा के ऊपर छोड़ी, मम्मी के ऊपर और मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अर्निंग मेंबर थी, दीदी की शादी थी, भाई छोटे हैं मेरे, तो मैं बैंक में जॉब कर रही थी जैसे मैंने आपको बताया। तो उस टाइम क्या हुआ कि पापा को जैसे पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि उनको रात भर वो सो ना पाए, आग सी जले उनको, और ऐसे देखे कि छत के ऊपर से कुछ आग सी निकलती आ रही है, मूठ जिसको बोलते हैं शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ कि एक प्रेत बाधा होती है इस तरह की, वो आई। तो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा कष्ट, हर टाइम बेचैनी, गर्मी इतनी जोर से लगे, सर्दियों के दिन थे उस टाइम, और बहुत ज़्यादा दिक्कत, उनको सपने गंदे बुरे बुरे आए, और उनको कुछ आकृतियाँ दिखे भयानक सी। फिर वो गुरुजी के उन्होंने गए सत्संग में, गुरुजियों को बोला उन्होंने कि परमात्मा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा। गुरुजी कहते कोई बात नहीं बेटा, जो ये करवा रहा है ना उसको परमात्मा अपने आप देखेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उस दिन का दिन है, आज का दिन मेरे पापा को कोई बाधा नहीं है। फिर मेरे साथ अटैक हुआ प्रेत बाधा का, मैं यहीं थी, तो मेरे को जैसे मैं अपने पीजी में सो रही थी, दोपहर का टाइम था, मैं अकेली थी, मेरी रूममेट नहीं थी, तो जैसे जाली वाला गेट बंद था अंदर से, और मेरे को ऐसे लगा, आंखें मेरी बंद थी, बट मेरे को सुनाई दिया कि जैसे टक 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 करके कोई चीज़ आई है। तो जो मेरी रूममेट थी ना, वो और भगवानों की पूजा करती थी, वो उसकी अलमारी में रखे होते थे, वहाँ से उसने माचिस उठाई, और जैसे फिर मेरे को एकदम से यूँ लगा कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने जाने वाला है। तो मेरे को उस टाइम प्रथम मंत्र मिला हुआ था, मैंने प्रथम मंत्र का एक जो स्टार्टिंग का है शब्द, वही उच्चारण किया, ऐसे आवाज आई रूम में जैसे कोई भाग रहा है, बहुत जोर जोर से भागने की आवाज आई, और जाली वाला गेट जैसे धां से किसी ने बंद किया हो बहुत जोर से, वो हुआ। बट उसके बाद भी मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होनी शुरू हो गई थी कि मेरे को गंदे गंदे सपने आने लग गए थे, और मेरे को बेचैनी, डर लगे कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई है जो आ गया पर्दे के पीछे से, कोई देख रहा है मेरे को इस तरह का, कोई मेरे को मार देगा, कोई किसी के गला दबा देगा, नींद नहीं आती थी मुझे। फिर मैं आश्रम गई, गुरुजी को प्रार्थना करी, गुरुजी ऐसे ऐसे। कौन से गुरुजी को प्रार्थना की जी? हमने तत्वदर्शी गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम ले रखा है, वही मेरे प्रथम और आखिरी गुरु हैं, इस मनुष्य योनि में वही गुरु रहेंगे, और वही हमको सचखंड सतलोक लेके जाएंगे, क्योंकि उनका जो ज्ञान है ऐसा ज्ञान विश्व में नहीं है। जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से अपनी समस्याओं के बारे में प्रार्थना की, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटा आपको परमात्मा ने इतना अच्छा मंत्र दिया हुआ, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, आपकी देखना परमात्मा बिल्कुल ठीक कर देंगे, वो जो आपके ऊपर किसी ने भी छुड़वाया है या कुछ भी करवाया उसका आपके ऊपर बिल्कुल असर नहीं होगा, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई, आज का दिन है, उसके बाद मेरी शादी भी हो गई, मेरी बेबी भी है 1.5 ईयर्स की, तो उसके बाद मैं अभी वापस से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है, तो उसके बाद से आज का दिन है, मेरे को कोई नहीं है, बल्कि परमात्मा के इतने सुख मिले हैं मेरे को कि मैं उनका वर्णन करूँ तो पूरा दिन निकल जाए, इतने हमको सुख मिले हैं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि उनके आशीर्वाद मात्र से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है, इसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप लगे हैं और आज वो जेल में है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बात पे आपको ये बोलना चाहूँगी कि शायद देश की पब्लिक को, जनता को ये बात नहीं पता है, या आप लोगों ने ये बात जनता तक नहीं पहुँचाई है, जो कि आपका फ़र्ज़ बनता था बताना, कि संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में पेश ना होने के कारण आज जेल में हैं। जबकि सच्चाई ये है, 2006 से अब तक संत रामपाल जी महाराज सैकड़ों से ज़्यादा बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं, वो न्यायपालिका का और न्याय प्रणाली का पूरा सम्मान करते हैं, उनका पालन करते हैं, उसके बावजूद भी जो लोग हैं, जो आप मीडिया वाले हो, ये दिखाते हो कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा, उन्होंने इतने संगीन जुर्म किए हैं, जबकि आज तक भी कोई भी अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि उन्होंने देशद्रोह का जुर्म किया है कि नहीं किया, क्योंकि ये सब सिर्फ आरोप हैं, इनका अभी तक प्रमाण कोई मिला नहीं है। तो आपका क्या मानना है, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों है?
मैं हिंदुस्तान की जनता को याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही संत हैं जिन्होंने पूरे विश्व के धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई गुरु सामने नहीं आया और किसी ने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नहीं की। मैं भगत समाज से, भक्तों से, सभी भाई बहनों से सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज गलत हैं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है और उनके ऊपर जो लगे आरोप हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो आप एक बार, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने धर्म गुरुओं को आप एक बार उन तैयार करें कि वो संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको खुद तस्वीर आपके सामने आ जाएगी, पिक्चर वुड बी क्लियर, आपको पता चल जाएगा कि कौन संत है कौन असंत है, क्योंकि ज्ञान से ही संत और असंत की पहचान होती है। ऐसे ही बोलने मात्र से तो कि कोई भी संत नहीं बन जाता, जिसके पास ज्ञान है, जिसका वेदों में प्रमाण है, हिंदू में गीता जी है, पवित्र बाइबल है और गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान शरीफ है, इन सब में कौन से परमात्मा है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, उसको पाने की विधि क्या है, कौन है वो तत्वदर्शी संत जो हमें परमात्मा से मिलाएगा, इन सब का अगर प्रश्नों का आपको उत्तर मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आपको विद प्रूफ मिलेगा। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ बोलेंगे, आपको प्रूफ दिखाएंगे। जो आज पढ़ा लिखा समाज है, जो सोसाइटी है, वो एजुकेटेड है, आजकल सबको पता है कि इसमें ये लिखा हुआ है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने घर पे, जो आपके आपके पास जो भी धर्म ग्रंथ रखे हैं आप उनसे, हमारे गुरु जी जो आपको दिखाएंगे वो पब्लिकेशंस भी दिखाएंगे कि इस पब्लिकेशन से पुस्तक प्रकाशित है, आप अपने साथ खरीद के ले आ सकते हो उसको, या घर पे रखे उसको देख सकते हो कि जो उसमें लिखा वो सच है कि नहीं है, आपको ज्ञान समझ में आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहन जी, जैसा कि आपने अभी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की बात की, आज से लगभग 6-7 साल पहले संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था और संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म की जो भक्ति प्रणाली है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अब उन लोगों के लिए समस्या हो जाती है जो उन धर्मगुरुओं से जुड़े हुए हैं, प्राचीन काल से हिंदू धर्म में देव देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी देव देवताओं की पूजा करने से मना करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा है कि जो आप बोल रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको बताते हैं कि देवी देवता हैं जो ये तीनों लोगों के जो सुख देते हैं, जैसे रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव जी हैं, जो इन तीनों लोगों के, पृथ्वी लोक के, स्वर्ग लोक के और पाताल लोक के जो जो जिनके हम अधीन हैं, उनकी पूजा की विधि क्या है, उनके मंत्र क्या हैं। मात्र हम एक मूर्ति की पूजा करने से या मंदिर में जाने से देवताओं की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि एक गरीब आदमी है वो भी जाता है, एक अमीर आदमी है वो भी जाता है, तो क्यों अमीर और अमीर बनता जाता है और गरीब और गरीब बनता जाता है? इसके पीछे कारण नहीं है कि उसके पीछे कारण ये है, जबकि गरीब होता है वो आत्मा से प्रार्थना करता है, दुखी होकर रोता है कि मेरे भगवान, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे थोड़ा सा धन दे दो या मुझे ये लाभ करा दो, फिर भी उसे नहीं होता, तब क्यों नहीं उसकी आस्था कम होती? जबकि होता यह है कि अमीर को और भी लाभ होता रहता है। इसके पीछे कारण ये है कि उनको उस चीज का पता नहीं है कि कौन से मंत्र हैं जिनसे देवी देवता खुश होते हैं, इन कौन से मंत्रों से ये हमें लाभ देंगे, इन तीनों लोगों के सुख कौन से मंत्रों से मिलेंगे। तो इन सभी की जानकारी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, वो उनकी सही जो मंत्र हैं जो वेदों में लिखे हुए हैं वो हमें बताते हैं कि इस विधि से इनकी पूजा करनी है, जबकि उस विधि से नहीं जो हम पिछले जमाने से, पुराने जमाने से किसी पूर्वज ने हमारी शुरू कर दी, किसी साधु ने बता दिया, हम वही करते आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें जो वेदों के अनुसार है वो करना चाहिए भक्ति। बहन जी, बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, क्या आपका संत रामपाल जी महाराज में अभी भी विश्वास है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो ही कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा हैं जो धरती पे आए हुए हैं। वेदों में जो प्रमाण मिलता है वो कबीर साहिब का मिलता है कि कबीर परमात्मा है, और कबीर परमात्मा के ही रूप संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पे अवतरित हैं, इसलिए। और उस जेल में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि जेल में गुरुजी चले गए हमें उससे कोई लाभ नहीं हुआ, उसके बाद भी हमें इतने परमात्मा के सुख मिले हैं, इवन जेल में जाने के अभी भी हम गुरुजी के आगे दंडोती, जैसे मेरी गुड़िया है, छोटी मेरी बेबी है, शी इज़ 1.5 ईयर्स ओल्ड, मैंने बताया आपको कि अगर वो थोड़ी भी बीमार हो जाती है या लग भी जाती है तो हमारी आस्था को कोई चोट नहीं पहुँचती, हम बोलते परमात्मा ये दुख आ गया, ये कष्ट आ गया, मालिक दया करो, और बिना किसी डॉक्टर के जाते ही आप अगर विश्वास करो या ना करो, बट दिस इज ट्रू थिंग विच आई एम टेलिंग यू, कि बिना कुछ डॉक्टर के जाते ही हमारी वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, हमारे हम जो मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि वो सत विधि है, उस सत विधि से हमें सारे लाभ मिलते हैं। बहन जी, क्या आप हिसार में जाते हैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, हम हमेशा जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, जब भी पेशी होती है कोर्ट में हम वहाँ पे हम सारे ही भगत जाते हैं। हम आप लाखों की संख्या में हिसार पहुंचते हैं, वहाँ पे मीडिया वालों का रवैया आप लोगों के प्रति ऐसा है जो हमें देखने को मिला कि उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हिसार में आते हैं वो एक अंधभक्ति के तहत जुड़े हुए हैं,
अनपढ़ लोग हैं, समझते नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर इतने सारे आरोप लगने के बावजूद भी हिसार में इतनी संख्या में आना उनकी अंधभक्ति को दर्शाता है। आप खुद एक एजुकेटेड महिलाएं हैं, आप बैंक में जॉब करते हैं, आप लोग अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, मैं आपको इस बात का ये जवाब देना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं वो अनपढ़ हैं, गवार हैं, वो भेड़ चाल चलते हैं या उनको कुछ पता नहीं है। मैं जनता को ये बताना चाहूँगी कि वी हर तरह के, हर समाज में हर तरह के व्यक्ति रहते हैं, बुजुर्ग भी हैं, बहन भाई भी हैं, माता पिता भी हैं, तो हर श्रेणी के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जियों से नाम उपदेश लिया हुआ है। और ऐसे कि आप दे सकते हो, लाइव एग्जाम्पल इज मी, मेरे काइंड मेरी तरह के बहुत सारे लोग हैं जो दे आर एजुकेटेड MBAs, डॉक्टर्स, इवन यहाँ तक कि SP DSP के लोग जो रिटायर्ड हैं या जो भी अभी सर्विस में हैं, पुलिस सर्विस वाले, सब लोगों ने भी उनके नाम लिए हुए हैं, क्योंकि परमात्मा की सबको चाह है। हमारी जो आत्मा है वो भटक रही है कि कौन है वो प्रभु जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमें सर्व सुख दे, हमें इस दुविधा से, इस 84 लाख, ये सभी जानते हैं कि 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद एक मनुष्य योनि मिलती है। तो अगर हम यहाँ इस योनि में भक्ति सही कर लेंगे तो हम जैसे कि नानक साहब बताते कि सचखंड सतलोक चले जाएंगे, तो वहाँ पर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। तो ये सिर्फ मनुष्य योनि है जिसमें हम ये भक्ति करके पहुँच सकते हैं। देखिए, हिंदुस्तान आज शाइनिंग इंडिया की बात करता है, कंप्यूटर का ज़माना है, लोग टेक्नोलॉजी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आप लोगों की शास्त्रों में, ग्रंथों में, जैसे कि आप लोग बताते हैं कि इतनी गहरी रुचि है, कैसे संभव है? क्योंकि लोग आध्यात्मिकता से बहुत दूर होते जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज़्यादातर शिष्यों में हमने देखा है कि वो शास्त्रों की गहरी रुचि रखते हैं, गहरी जानकारी रखते हैं, कैसे? सर, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर डिजिटलाइजेशन हो रहा है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान ख़त्म हो गया है। भगवान है, उसका हर ग्रंथ में, हर जाति में, हर धर्म में कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। ऐसा नहीं है कि वो जो लोग डिजिटलाइज हो गए हैं वो भगवान को भूल गए हैं, या भगवान, जब भी उन पे कोई दिक्कत आती है वो कहीं ना कहीं तो जाते हैं जहां उनको जाना होता है, जहां वो मान रहे होते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं जिनकी लाखों के तादाद में अनुयायी भी है। संत रामपाल जी महाराज को आप किस प्रकार उन संतों से अलग पाते हैं? सबसे पहले तो ज्ञान के बिहाफ पे, क्योंकि जो ज्ञान हमारे गुरुजी बताते हैं वो पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे विश्व में, आपको कोई भी धर्म ग्रंथ में या कोई भी संत में आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारे गुरुजी हैं वो एक किसी ग्रंथ से नहीं बताते, वो सारे ही, उन्होंने जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सभी का अध्ययन किया है, बाय प्रूफ वो आपको शो करते हैं कि इसमें ये चीज़ लिखी है और परमात्मा को पाने का ये तरीका है और ये परमात्मा साकार है, नर स्वरूप है। कुछ धर्म गुरु बताते हैं कि वहाँ सचखंड में, सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ पे कोई गुरु नहीं है, कोई भगवान नहीं है वहाँ पे, तो वो गलत ज्ञान देते हैं आपको, जबकि वहाँ पे परमात्मा ने हम सबको अपने ही स्वरूप बनाया है, नर स्वरूप बनाया है, ताकि हम इसी मनुष्य जीवन में हम परमात्मा की भक्ति करके, बोलते हैं ना, जिव्या तो वाही बलि जो रटे हरि नाम, जीभ तो जो जिव्या होती है, टंग होती है, वो तो सारे पशुओं को भी होती है, पर वो परमात्मा का सिमरण नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य ही जीवन में हम परमात्मा की भक्ति करके अपने परम मुक्ति धाम सतलोक सचखंड में जा सकते हैं, जहाँ हमेशा हमें कभी कोई दुख नहीं होगा। हम वहीं के रहने वाले थे, हम यहाँ गलत आके फंस गए हैं, इसलिए हम मैं आपसे यही बोलूँगी कि सतलोक में परमात्मा खुद वहाँ पर निवास करते हैं और उसकी विधि संत रामपाल जी महाराज जी आपको यहाँ पर आके दे रहे हैं पृथ्वी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सर भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपको परमात्मा की चाह है, आप सोचते हो कि वो कौन भगवान है, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले कि हम माता रानी की पूजा करते थे, उसके बाद लड्डू गोपाल की पूजा करते थे, लेकिन उसके बाद भी हमारे घर पे बहुत सारे संकट आ रहे थे, हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली, सोचा तो यही था कि चलो इतने गुरु हैं, इनको भी ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन जब पता चला, ज्ञान का पता चला, जब उनकी भक्ति से हमें लाभ होने शुरू हुए, तब हमें पता चला कि हाँ, यही एक संत हैं जिससे हमें सारे लाभ मिल सकते हैं, जो हमें हमें जो परम मुक्ति धाम है, जहाँ हम वहाँ से आने के बाद, जैसे नानक साहब जहाँ पे गए हैं, नानक, कबीर परमात्मा कहते हैं कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माही कबीर भया। तो नानक जी को भी जो बेई नदी पे आके मिले थे वो संत, वो अपने कबीर परमात्मा ही थे। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे गुरुजियों के ऊपर देशद्रोह के जो आरोप लगे हैं उनकी CBI जांच कराई जाए, क्योंकि अगर आपको बार बार हिंदुस्तान की जनता को सोचना चाहिए कि अगर जो बंदा खुद गलत होगा वो CBI जांच की क्यों डिमांड करेगा,
जरूर वो सच है, सच्चा है, इसीलिए डिमांड कर रहा है। नहीं तो जो बड़े बड़े नेता हैं, जो इतने घोटालों में घिरे होते हैं, जो मंत्री लोग हैं, वो क्यों सीबीआई जांच से भागते हैं, दूर हटते हैं? उनकी अभी तक उनकी फाइलें अटकी पड़ी हैं, उनके केस नहीं चल रहे हैं, जबकि उनकी जाँच होनी चाहिए। इतने घोटाले हिंदुस्तान में हो रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सीबीआई जाँच इसलिए हम मांग कर रहे हैं क्योंकि हम सच हैं, सांच को आँच नहीं। हम चाहते हैं कि सच जनता के सामने आए। जो झूठी तस्वीर मीडिया ने दिखाई है, जो गलत बातें आपको बताई गई हैं, वो सारी सामने आए कि क्या सच है और क्या झूठ है। बहन जी, लोग अमूमन भक्ति इसलिए करते हैं कि आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए, शारीरिक लाभ प्राप्त करने के लिए, मानसिक लाभ प्राप्त करने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि आप MBA हैं, बैंक में नौकरी करते हैं, वेल सेटल है आप, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है आपको, फिर भी आप भक्ति करते हैं। क्या जरूरत है आपको एक ऐसे संत से नाम दीक्षा लेने की जिसके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं? आप भक्ति क्यों करते हैं? भैया, ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है। इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगी कि हाँ, हम भक्ति इसलिए भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, कि हमें किसी प्रकार का कोई आर्थिक, शारीरिक या मानसिक कष्ट ना हो। प्लस जो हम इसलिए भी कर रहे हैं कि यहाँ ये सुख तो हमें देंगे ही देंगे। परमात्मा कहते हैं कि ये सुख तो तुम्हें रूंगे में, मीन्स फ्री में मिलेंगे, और इसके बाद तुम अब सतलोक मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक सच्चे गुरु को होना बहुत जरूरी है, जो आपको सत्य भक्ति बताए, जो आपको पार करने का, इस भवसागर से निकलने का तरीका बताए। तो जो हमारे गुरु जी हैं, ऐसे ही मैंने इनका नामदान नहीं ले लिया। मेरे मम्मी पापा ने जो नाम लिया था वो मुझसे एक साल से भी ज़्यादा पहले से लिया था। उसके बाद मैंने जो भी गुरु जी के सत्संग हैं, जो उनकी क्लिप्स हैं, वो सब मैंने अपने फोन में डाली, और वाइल डूइंग माय जॉब आई वाज यू नो लिसनिंग ऑल द सत्संग्स एंड ऑल, मैंने पूरा रिसर्च किया। बहन जी, जैसे आपने सच्चे सद्गुरु का जिक्र किया, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सच्चा सद्गुरु कौन है? मैं आपको बताना चाहूंगी, इसको नानक साहिब की वाणी से मैं आपको प्रमाणित करना चाहूंगी कि नानक साहिब ने भी गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है कि वो ही गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, ता प्राणी निज घर को पावे। क्या आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी वही नाम दीक्षा देते हैं जो गुरु नानक देव जी जपते थे? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया था कि अधम सुल्तान को, नानक जी को, दादू जी को, जो जो ये प्रमाण मैंने बताए हैं, जो ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जो ये वो हैं संत जो सतलोक गए हैं, सचखंड गए हैं, और वो इसी विधि से, इसी आध्यात्मिक विधि से, मंत्र जाप से ही वो सचखंड सतलोक की प्राप्ति हुई है। तो परमात्मा है वो गुरु जी के रूप में आए हुए हैं, वो दोबारा हमको यही विधि बता रहे हैं। अगर भगत समाज चेत गया है, जाग गया है, तो आके नामदान ले, नाम दीक्षा ले। आपको जो लाभ है वो तो परमात्मा देंगे ही देंगे, अगर आप सच्ची लगन से लगते हो तो। प्लस आपको सचखंड सतलोक अपने परम मुक्ति धाम में भी लेके जाएंगे। अभी आपने बोला कि नाम दीक्षा लें, कैसे ले? संत रामपाल जी महाराज तो भी जेल में हैं। अगर आप नाम लेने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं, तो जो TV पे जो अभी सत्संग के ड्यूरेशन में जो नंबर चलते हैं, आप उन पे कांटेक्ट कीजिए। अगर उन पे आप कांटेक्ट करोगे तो आपको आपके नियरेस्ट ब्रांच का पता चल जाएगा, जहाँ पे आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी।